सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 9 डिवाइस के बारे में और इसके MIUI 13 बेस्ड एंड्रॉइड 12 अपडेट के बारे में। अभी तक इंडिया में MIUI 13 और एंड्रॉइड 12 का अपडेट है ना, वो यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, अपडेट इतना ज्यादा डिले है ना, वो यहाँ पर क्यों हुआ है, और अब आप लोगों के लिए जो अपडेट है ना वो यहाँ पर काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है। सो बस आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, जल्दी ही अपडेट है ना वहाँ पर रिलीज किया जाएगा। अपडेट में आप लोगों को वर्जन नंबर है वहाँ पर कौन सा मिलेगा, कितनी आप लोगों को अपडेट की टोटल साइज मिलेगी, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है सो वीडियो को लाइक करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि इंडिया में अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा तो आप लोगों को वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो आइए बात कर लेते हैं इस अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को बता दूं, अब आप लोगों को ज्यादा वेट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि अपडेट है वो आप लोगों को काफी जल्दी मिलेगा। तो काफी जल्दी से यहाँ पर मतलब है कि आप लोगों के लिए जो अपडेट है ना वो यही जो करंट मंथ चल रहे ना दिसंबर का मंथ, इसी के अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि आप लोगों के लिए जो अपडेट है वो ऑलरेडी यहाँ पर 3 से 4 मंथ यहाँ पर डिले हो चुका है। और अगर आप लोग यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल यहाँ पर रीड करोगे तो आपको पता यही चलेगा कि जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है और अब आप लोगों के लिए जो अपडेट है वो दिसंबर का मंथ है वो यहाँ पर मिल जाएगा। सो दिसंबर में अपडेट है वहां पर कब तक रिलीज हो सकता है, तो आप लोग को दिसंबर की एंडिंग तक का वेट कर लेना है। 25 दिसंबर के आसपास ये जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज हो सकता है, पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस है। बाकी यार और बाकी जितना भी जो मटेरियल है ना वहाँ पर Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है कि इन लोगों को यहाँ पर अपडेट है वहाँ पर प्रोवाइड कराना है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max और Redmi Note 9S जितने भी जो डिवाइस है ना Note 9 सीरीज के, उनके लिए अपडेट है वो ऑलरेडी आ चुका है। सिर्फ यही डिवाइस है ना वहाँ पर रह गया है जिसके लिए अपडेट है ना वो इंडिया में यहाँ पर नहीं आया है। तो आप लोगों को इतना यहाँ पर वेट करना होगा। बाकी यहाँ पर बात कर ले अपडेट की टोटल साइज के बारे में, सो आप लोगों को 2.5 GB से 3 GB के बीच में अपडेट की टोटल साइज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं मैं आप लोगों से बात करूं अपडेट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से फीचर है वो यहाँ पर मिलेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वाली वीडियो के अंदर बताया है MIUI 13 और Android 12 का अपडेट है वो फीचर का अपडेट नहीं है, आपको फीचर काफी कम देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है, नया वाला कंट्रोल सेंटर है वो इनेबल हो जाएगा, साथ ही में आपका जो डिवाइस है ना इसके अंदर साइड बार का फीचर है उसको इनेबल किया जाएगा अगर आपके डिवाइस के अंदर 6 GB रैम है, अदरवाइज 4 GB रैम के अंदर आपको कोई भी साइड बार का फीचर नहीं मिलेगा। और जो आप लोगों को एनिमेशन देखने को मिलती है वो भी आप लोगों को 6 GB रैम के अंदर देखने को मिलेगी, 4 GB रैम के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। और हो सकता है इस अपडेट के अंदर आप लोगों को 1 दिसंबर 2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाए। बाकी पूरे चांसेस तो यार पूरे तो नहीं कहूंगा, आधे चांसेस यही है कि जो अपडेट है ना उसके अंदर आप लोगों को नवंबर का सिक्योरिटी पैसल का अपडेट है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइज यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है ताकि फ्यूचर में और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा और जैसे MIUI 13 का अपडेट आएगा वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो मैं मिलता आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।